हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज गाइस हम बात करने वाले हैं ब्रॉडबैंड के बारे में। तो बेसिकली अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन बेसिकली चल नहीं रहा था, लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, बट फिर भी लॉकडाउन चल रहा है। तो जो भी आदमी अपने घर से काम करते हैं, मतलब जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनके लिए अभी एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। तो इंटरनेट कनेक्शन तो आपकी जो डेली लिमिट इंटरनेट कनेक्शन होता है वो उतना तेज़ नहीं होता या उतना ही तेज़ आपको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए होता है जो आपको सही से इंटरनेट कनेक्ट करे। तो आप ब्रॉडबैंड का जो बात बताई अभी, तो इसको मैंने तीन भागों में डिवाइड किया है। तो पहली है प्लानिंग, दूसरा है इंस्टॉलेशन और तीसरी है वो है राउटर। इस पहली पॉइंट की तरफ चलते हैं जो है प्लानिंग। तो आप पहले गूगल कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन से वाले ब्रॉडबैंड का कनेक्शन अच्छा है। अलायंस होता है, BSNL होता है, सिटी होता है, आपका आपके आसपास जो भी अच्छा होगा आप वो ले सकते हैं। मैं कलकत्ता में रहता हूँ तो मेरे आसपास मुझे अलायंस का ही ब्रॉडबैंड अच्छा मिला। उसका जो प्राइस है वो मेरे बजट में बैठ रहा था, तो मैंने वही ब्रॉडबैंड या वही प्लान, तो मैंने पहले गूगल किया, उसके बाद मैंने मेरे केबल ऑपरेटर से बात की। वही कहा ठीक है आप ही लगा दीजिए मुझे, तो उन्होंने मुझे इंस्टॉलेशन कर दिया। तो मैं एक इंस्टॉलेशन का छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले जब इंस्टॉलेशन होगा तब आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सा वाला तार लगाना है। तो दो तारें होती है, एक है ऑप्टिकल फाइबर और एक होता है कैट फाइबर। तो कैट फाइबर थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा सा महंगा पड़ता है। कैट फाइबर में आपको स्पीड अप डाउन देखने को मिलेगा, बट जो ऑप्टिकल फाइबर है वो स्पीड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देता है। तो जैसे ही गाइस आप देख पा रहे हैं, ये मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जो मेरे जो केबल ऑपरेटर है वो ये दोनों को भेजे है मेरे घर पे। तो ये आके वो क्लिपिंग कर रहा है, तारों को क्लिप करके ऐसे ही आप देख सकते हैं जैसे कि वो पास में जो मशीन है उसमें वो डाल रहा है। इसके बाद इसको अब तार को कैसे जोड़ते हैं ये भी हम दिखाएंगे। आप देखिए दोनों तार ऐसे ही मशीन में घुसा दिया और उसके बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं दो तार हैं ये ऐसे, और ये दो तार कैसे जुड़ गया। तो ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर का प्रोसेस होता है गाइस। अगर आपने भी करवाया तो ऐसे ही मशीन लाके आपके घर पे प्रोसेस कर जाएंगे। इंस्टॉलेशन होने के बाद गाइस वो आपको एक सफ़ेद कलर का ऐसा बॉक्स देके जाएंगे और पीछे आपको एक पावर केबल, एक लैन पोर्ट और एक नीला कलर का कुछ मिलता है, तीन पोर्ट ये बस आपको मिलते हैं। जैसे कि मैंने सेकेंड पॉइंट बताया कि इंस्टॉलेशन में आपको दो तार की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक होता है ऑप्टिकल फाइबर और एक होता है कैट फाइबर। मेरे हाथों में अभी जो गाइस तार है वो है कैट फाइबर का तार। तो इसके बाद मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर का तार भी दिखाऊंगा। और गाइस ये होता है ऑप्टिकल फाइबर का तार और साइड में एक बॉक्स भी है जो उन लोगों ने मुझे दिया था। तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ये आपके ऊपर है। थर्ड पॉइंट है वो है राउटर गाइस। राउटर आपको केबल ऑपरेटर भी प्रोवाइड करेंगे जो है लोकल माल होता है। आप अगर डीलिंग, टीपीलिंग या MI का जो भी आपका राउटर जो पसंद है वही आप ले सकते हैं, ऑनलाइन से भी ले सकते हैं, आप ऑफलाइन भी मार्केट चेक कर सकते हैं। तो मैंने MI का लिया है, तो मैं स्मार्ट राउटर चाहता था, तो डीलिंग या टीपीलिंग में मुझे कुछ स्मार्ट नहीं मिल रहा था, तो MI में मुझे स्मार्ट राउटर मिला, तो मैंने वही ले लिया। को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ एक और वीडियो में गाइज़।